अरे कोई रिस्पेक्ट नहीं है, आप रहते नहीं, अगर आप रिस्पेक्ट होते बात है, हम इन्हें चुरा रहे हैं। घटना हुआ है, दुखद घटना है, जानकारी हमें भी मिला है, अभी आपके सामने में डीएम साहब से हमने बात किया है जी। इस परिवार को आप देखते हैं, घर नहीं है रहने के लिए है जी, राशन कार्ड नहीं है, और ये कहीं ना कहीं सरकार का पदाधिकारी का लापरवाही है, कमी है जी। जिसके कारण भुखमरी के कारण इस परिवार में 5-6 लोगों का जान गया है जी। कोई नहीं है, हम लोग अलता है, ऐसा मत कहिए, सत्ता बदलता है, सरकार के आदमी है इसलिए परेशान कर रहे हैं। ये बताइए, ये बताइए, क्या करवाई हुआ, बैठ के क्या करेंगे, कहाँ बैठे आपको क्या मतलब है? आप आए आना चाहिए वहाँ पे, भैया ने तो आप अभी रिपोर्ट आपने 15 दिन में क्या किए। घटना हुआ है, दुखद घटना है जी, जानकारी हमें भी मिला है, अभी आपके सामने में डीएम साहब से हमने बात किया है जी। इस परिवार को घर नहीं है रहने के लिए है जी, राशन कार्ड नहीं है, और ये कहीं ना कहीं सरकार का पदाधिकारी का लापरवाही है, कमी है, जिसके कारण भुखमरी के कारण इस परिवार में 5-6 लोगों का जान गया है जी। ये सरकार को इस पे गंभीरता से लेना चाहिए, और उससे हमने डीएम साहब से बात किया, उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी इस पे राशन कार्ड के लिए तो हमने ऑर्डर कर दिया, शीघ्र ही बन जाएगा या बन गया होगा, मुआवजा के ऊपर उन्होंने अभी तक एक्शन नहीं लिए। लेकिन अभी पार्टी के द्वारा हम लोग चाहेंगे कि सरकार से जो मुख्यमंत्री की तरफ से जो राहत फंड मिलता है, जो किसी परिवार को डेथ होने से 4-4 लाख रुपया, वो इस परिवार को मिले, इसके लिए पार्टी के स्तर पर से लगा है। और कुछ नेता तो खाली आते हैं नेतागिरी करने के लिए जी, जी, जी। बताइए, देश के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी का क्षेत्र है ये, मिर्जापुर से चुनाव जीत के आते हैं, इनके वोट से आज देश में वो राज कर रहे हैं, लेकिन आज वो आए और भोज भात खा के चले गए, परिवार के लिए कुछ नहीं किए। वो तो सरकार में है, केंद्र सरकार भी उनका है और राज्य में भी सरकार उनकी है, उनको तो अभी एक्शन लेना चाहिए, केंद्र सरकार से राज्य सरकार की तरफ से कुछ आर्थिक मदद करना चाहिए, ताकि इस परिवार का घर बने और आने वाला बच्चा जो वो बेहतर चल सके। लेकिन उन्होंने तो आके सिर्फ यहाँ पे नेतागिरी करके गए और पता चला कि बगल के पंचायत में जाके भोज खाएं और जय श्री राम करें। मुझे लगता है कि यहाँ के क्षेत्र के जो लोग हैं उसको समझना चाहिए, और 2024 में आएंगे तो उनसे भी सवाल करना चाहिए सारे चीज़। अभी तो सरकार में वही है, वही बेहतर जवाब देंगे, और मैं तो आपसे भी आग्रह करूंगा कि वो जब भी दोबारा आए क्षेत्र में नित्यानंद राय जी का, खास करके तो उनसे सवाल कीजिए कि भाई उनके क्षेत्र में इतना गरीब परिवार है, आज की तारीख में राशन कार्ड नहीं है, इसका जवाबदेही किसका, राज्य सरकार का या यहाँ का CEO BDO कलेक्टर किन का जवाबदेही है कि इस परिवार के पास राशन कार्ड नहीं है, आज राशन कार्ड रहता तो राशन मिलता और इसको घर में इस तरीके से घटना नहीं होता, आज आत्महत्या नहीं करना पड़ता, क्या हुआ वो एग्जैक्ट तो पता नहीं है, लेकिन इस परिवार में 5-5 जान गया है, तो इसके लिए सरकार जवाबदेही है और प्रशासन यहाँ के जो भी है वो जवाबदेही है, और इसके लिए हम लोग बात करेंगे, मुआवजा तो मिलना ही है, और राज्य में इस तरीके से स्थिति ना हो इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी को ध्यान देना है, जो ज़रूरतमंद है उनको खाना पीना की व्यवस्था होना चाहिए। सिर्फ आज का देश का जो सरकार है वो वैक्सीन को राशन में बदल दिया है, तो इसके लिए जो ज़रूरतमंद है वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है, इसके लिए आप लोग भी आवाज़ उठाइए, और हम लोग तो जो हमसे हो सकता उतना हम लोग कर रहे हैं, और पार्टी की तरफ से भी मदद परिवार के साथ तो हमेशा है, और सरकारी जो लाभ है उसको हम दिला करेंगे सर। घटना के कोई नहीं है, हम लोग अलता है,
ये ऐसा मत कहिए साहब, सत्ता बदलता है, हम सरकार के आदमी है इसलिए परेशान कर रहे हैं। ये बताइए, ये बताइए, क्या करवाया हम बैठ के क्या करेंगे? कहाँ बैठे रोड पर आदमी है ना हम लोग, नहीं बैठ जाते हैं एक घंटा में। आपको क्या मतलब, आप आए आना चाहिए वहाँ पे भैया ने, तो आप अपनी रिपोर्ट आपने 15 दिन में क्या किए? मेरे कहने के बाद एसपी साहब ने बच्चे को जाके बयान लिया है। आप लोगों का क्या फर्ज बनता था कि जब हुआ बच्चा, जब चार आदमी गया तो बच्चा का बयान लेना चाहिए था, और बच्चा का जब बयान लिया उसके बाद क्या हुआ? 15 दिन हुआ, क्या किया? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कहा से जब निकला सब, उसमें तो दुबने का, और जो लाइव बच्चा बता रहा उसका रिपोर्ट बता रहा है, पकड़ से नीचे निकला डूबने का रिपोर्ट बता रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की मैंने कॉपी दी है, पोस्टमार्टम वो बच्चा बोल रहा मेरे सामने में, ये जो बच्चा बोल रहा है कि हम चार आदमी गए थे नीचे तोड़ने के लिए, जिसमें हम तो किनारा हम आ गए और दो को पकड़ लिया, दो को घर पे आ गया, जब ये बच्चा खुद बोल रहा है तो इस पे अपने आप इस पे इसका बात सुनेंगे कि अभी पोस्टमार्टम का आप रिपोर्ट देखेंगे जो किसी ने देखा नहीं, मुकेश सहनी बोल रहे हैं मुख्यमंत्री जी। जी नमस्कार, मैं अभी सारंगी थाना पे मैं हूँ। एक यहाँ पे घटना हुआ था 15 दिन पहले का घटना है, केस नंबर 162 है। यहाँ पे एक बच्चे को मार के, दो बच्चे को मार के कुआं में फेंक दिया गया, ठीक है, और उसके बाद उसको फिर बता दिया गया हो गया, जबकि बच्चे उसके साथ चार बच्चा था, तो दो बच्चे आए विटनेस उन्होंने कबूला है और रिपोर्ट में भी है कि उनको हमारे सामने मार के फेंका है, ठीक है, उस पर ना कोई गिरफ्तारी हो रहा है ना कोई कार्रवाई हो रहा है। हमने एसपी साहब को फोन किया था 5 दिन पहले, तो हमारे कहने पे 2-10 दिन के बाद वो बच्चे का मतलब स्टेटमेंट लिया गया, उसके बाद आज मैं आया हूँ इस गांव में, तो कोई भी कहीं से भी तो सहयोग नहीं था थाना उन्हें से, तो मैं खुद ही थाना पे आ गया हूँ और यहाँ पे मैं बैठा हूँ थाना पे। इस पर वही सही से कार्रवाई हो, क्योंकि सब केस पूरा मैनेज किया जा रहा है, ठीक है, तो इसको आप थोड़ा मैंने ठीक है उसको जो जांच करने वाला वही अगर चाहेंगे तो ही तो अच्छा होगा, नहीं चाहेंगे तो कहाँ अच्छा होना है। ये तो बात आप भी और हम भी जान रहे हैं, ठीक है। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि इस पे थोड़ा आप अपना अच्छा दबाइए, फिर मैं भेजता हूँ। नहीं भाई सही बात है, आपके ऊपर भी बिहार है, ठीक है, ये तो हम पे आप पे भरोसा कर ही सकते हैं। हाँ ठीक है, जी बताइए खाना सुनिए, आपका भी बाल बच्चा है ना, है ना, बड़े सुनिए सर आप लोग जिम्मेदार पद पे हैं, आपका भी बाल बच्चा है भगवान के दया से, आपका बाल बच्चा का मर्डर में बना उसी समझ में आएगा क्या होता है, ठीक है, गरीब अभी सुनिए ना, अभी हम छपरा में थाना पे बैठे हुए हैं, जल्दी सर, हाँ छपरा में अभी हम थाना पे बैठे हैं, डीजीपी साहब से, हाँ कौन सा थाना ये? बेलती थाना है, बेलती थाना, हाँ बेलती थाना, ठीक है, अब यहाँ पे बैठे हैं, इसके साथ फोन नहीं उठा रहे हैं, मैं यहाँ पे एक घंटे से बैठा हूँ, ठीक है, थाना पे जब तक बात नहीं होगा डीजीपी साहब से हम यहीं पे बैठे रहेंगे, ठीक है, अभी आप लोगों को देख लीजिए क्या करना है। कौन सा
तो कौन है, दूसरा कौन है, कोई होगा ना सीनियर वहाँ पे होंगे कंट्रोल रूम से कौन बस्ती मैसेज चाहिए।